दिल्ली में शराब घोटाले मामले में सियासत तेज हो गई है। ईडी ने पिछले दिनों दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत नोटिस जारी किया गया है, जबकि ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भी इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईडी अब आगे क्या करेगी? क्या केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? ईडी के पास कौन कौन से अधिकार है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। दरअसल 30 अक्टूबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया है और भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने चले गए। केजरीवाल के इस रवैये के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि ईडी अब क्या करेगी। तो ईडी इस मामले में दो और नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें दूसरी वाली नोटिस गैर जमानती होगी। यदि इस नोटिस के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्या है ईडी और उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं? ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय मामलों में गमन या धोखाधड़ी की जांच करने के लिए जाना जाता है। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स का कंट्रोल हुआ करता था। इसके बाद साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी से इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से यह उसी में काम कर रहा है। किन किन मामलों में जांच करती है ईडी? ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखती है। ईडी खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। साल 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया, इसे भी ईडी के तहत रखा गया। ईडी विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी फेरा 1973, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी FEOA 2018, COFEPOSA के तहत विज्ञापन में होने वाले फ्रॉड की भी जांच कर सकता है। क्या केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त, उनके धन को जब्त करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। PMLA के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। यदि ईडी चाहे तो इस नोटिस के बाद भी सीएम अरविंद केजरीवाल को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के समन की पहले भी हुई है अनदेखी। यह पहला मौका नहीं है जब ईडी की समन को किसी मुख्यमंत्री ने अनदेखी की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को रांची भूमि घोटाला मामले में ईडी ने 5 बार PMLA के तहत नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से ईडी के बार बार समन भेजने को कष्टकारी कहा है और इस पर रोक लगाने का आग्रह भी किया है। फिलहाल इस पर अब तक किसी तरह का रोक नहीं लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या फिर अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो ये थी दिल्ली शराब घोटाला और ईडी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।